सार को जितना मैं खुश हो रहा हूँ उससे भी ज्यादा सागर सार ने खुश हुए, उसको देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तुम टीचर हो के सिर्फ तुम स्टूडेंट की लाइफ नहीं बना रहे हो, तुम उनकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है फ्रेंड, उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल पे कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में और कोर्सेज में हम क्या नया अपडेट लेकर आए हैं, ये इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ एक लैपटॉप है, यहाँ पे एक लैपटॉप रखे है। दोस्तों, अभी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, ये इंडिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको लैपटॉप प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, चाहे वो 10 दिन वाला कोर्स हो चाहे वो 20 दिन वाला कोर्स हो। लैपटॉप के साथ साथ आपको मिलेगा अंदर बॉर्नियो स्केमेटिक डायग्राम, ये सारी चीज़ हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं फ्रेंड्स। 10 दिन आप रहेंगे तो आपके साथ लैपटॉप रहेगा, अगर आप 20 दिन वाले कोर्स में आते हैं तब भी आपके साथ ये लैपटॉप रहेगा। क्योंकि फ्रेंड, लैपटॉप आपको देने का रीज़न ये है फ्रेंड्स के डायग्राम को आपको समझना है। क्या होता है फ्रेंड, हम स्टूडेंट को बोलते भी हैं कि लैपटॉप साथ में लेके आइए, डायग्राम लेके आइए, तो स्टूडेंट लाते नहीं है। दोस्तों, एक बात बता दूं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई फीस हमने नहीं बढ़ाई है फ्रेंड्स। हमारी फीस इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट है सबसे कम फीस हमारी है। लैपटॉप फोन फिक्स दे रहा है, डायग्राम बॉर्नियो फोन फिक्स दे रहा है, ब्लैक पेस्टेड के 2 बोर्ड फोन फिक्स दे रहा है, व्हाइट पेस्टेड के 2 बोर्ड फोन फिक्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, एक डुअल डेकर का बोर्ड प्रैक्टिस के लिए आपको फोन फिक्स दे रहा है, एक ऑन 4G का हैंडसेट आपको CPU निकाल के लगाने के लिए, EMMC निकाल के लगाने के लिए, पावर निकाल के लगाने के लिए फोन फिक्स आपको दे रहा है। दोस्तों, ट्रेसिंग करने के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग को करने के लिए एक ऑन मदरबोर्ड की जरूरत होती है, जो आपको हम प्रोवाइड यहां से करा रहे हैं। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसमें चेकिंग कर सकते हैं, आप उसको सेक्शन को समझ सकते हैं। 4G हैंडसेट, जी हां फ्रेंड, 4G का एक ऑन बोर्ड यहां पे हर बच्चों को दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ देने का रीज़न ये है कि आपका हैंड स्किल आपका बने, आपकी नॉलेज अच्छी हो। आप जब तक प्रैक्टिकल काम करेंगे नहीं फ्रेंड, तब तक आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है नहीं। अगर आप स्विमिंग के किताबें पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको तैरना जब तक नहीं आएगा जब तक आप पानी के अंदर छलांग नहीं मार देते। तो फ्रेंड, जो पानी में जाने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है। यही एक कारण है हर बच्चे के हाथ से हम डायग्राम रीड करना सिखाते हैं, हर बच्चे को IC रिवॉल्विंग सिखाते हैं, हर बच्चे को IC लगाना निकालना हम सिखाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, लैपटॉप में दूसरा फायदा ये है, सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में आप अनलॉकिंग कर सकते हैं, ड्राइवर डालने में फंस जाते हैं, टूल डालने में फंस जाते हैं, EMMC चेंज कैसे करनी है उसका एक टूल आता है, वो टूल में EMMC में रैम कितना है, रोम कितना है, ये देखना होता है। तो लैपटॉप देने का रीज़न ही है फ्रेंड्स कि आपकी नॉलेज बढ़े, आप अपडेट टूल्स के साथ काम करें। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको DSO मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 एम्पियर का आपको DC मशीन दिखेगा, यहाँ पे आपको थर्मल कैमरा दिखेगा। हमारे पास हर वो एक टूल, लेटेस्ट टूल है फ्रेंड, जो एक अच्छे टेक्नीशियन को ज़रूरत पड़ती है, जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, जो एक टेक्नीशियन को सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये सारे चीज़ें आपको चलाने आनी चाहिए। UFI बॉक्स, EasyJetAg बॉक्स, हमारे पास हर एक टूल अपडेटेड टूल होता है फ्रेंड, जिससे आपका मोबाइल का काम हो जाता है। आप देखे होंगे हमारे पास जो मल्टीमीटर हम देते हैं, सारे के सारे ब्रांडेड टूल आपको देते हैं। 100 रुपए 150 रुपए का भी मल्टीमीटर आता है, हम नहीं देते हैं। हर बच्चे के पास इस तरह का स्केमेटिक का पोर्ट मिलता है, जो आपको चार्जिंग वगैरह कितना एम्पियर ले रहा है चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देखे होंगे हमारे पास जितने भी टूल देते हैं, हर बच्चे का अपना अपना इंडिविजुअल टूल होता है और वो किसी से भी मांगता नहीं है। हर बच्चे के पास अपना माइक्रोस्कोप होता है, अपनी SMD होती है, अपनी आयरन होती है। हमारे यहाँ पे जो आयरन देते हैं फ्रेंड्स, हम महंगा आयरन देते हैं, जो कि T12 का 3,500 का आयरन है। यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं आयरन आपको इस तरह का मिलता है, और SMD जो हम यूज़ करने के लिए देते हैं 857DW+ देते हैं, और जो PCB होल्डर देते हैं आपको इस तरह का होल्डर देंगे। हर एक के बाद एक माइक्रोस्कोप रहेगा अपना काम करने के लिए। जो ट्वीज़र हम देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिलाइफ का ट्वीज़र देते हैं, पिपड़ी पेस्ट हो या फ्लक्स हो, हम सारा का सारा ब्रांडेड ही देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ब्रांडेड टूल्स यूज़ करने से ही आपका अच्छा खासा हैंड स्किल बनेगा, अदरवाइज आपका हैंड स्किल नहीं बनने वाला है।
दोस्तों कहीं भी इंडिया में जा रहे हो आप देखिए कि टूल आपको क्या दे रहे हैं, टीचर के पास कैसी नॉलेज है, और इससे ज्यादा ये देखिए कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट जा करके डेली काम करके अपना काम दिखा रहे हैं, क्या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप में कहीं पे भी बच्चों का काम दिख रहा है। दोस्तों फोन फिक्स हैदराबाद इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आना ही आना है, उनका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग उनको छोड़ते नहीं है जब तक हर बच्चा अपने हाथ से काम ना कर ले, जब तक हर बच्चा सेटिस्फाई ना हो जाए हम किसी को जाने नहीं देते फ्रेंड्स। हमारे पास 20 दिन की ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स, जिसमें 15 दिन हार्डवेयर होता है। दोस्तों डेली 10 घंटा हम पढ़ाते हैं, दोस्तों 20 दिन जब 10 घंटा आप हैंड स्किल का काम करते हैं, जिसमें 8 घंटा हैंड स्किल होता है और 2 से 3 घंटा सर्किट की नॉलेज, फिर रात में 2 से 3 घंटा सर्किट की नॉलेज आपको देते हैं, वहां पे हॉस्टल में भी आके बताते हैं आपको, हॉस्टल में भी काम देते हैं, तब जाके आपका काम हो पाता है। दोस्तों 10-10 घंटा में अगर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सारा का सारा चीज दिमाग पे से आपके निकल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा सुनेंगे तो जब करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको कुछ काम करना है आप उसे 2-4 बार समझ लें फिर वो काम करें तो हो जाएगा। अगर कोई आपको इतना बोल बोल के पका दे रहे हैं कि वो जो मेन चीज है वही जहन से निकल जा रही तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 घंटा सर्किट डायग्राम, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग और डायग्राम की डीपली नॉलेज देते हैं कि कहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट है, कोई ऐसी कैसे काम कर रहा है। इतने सारे आईसियां बढ़ते जा रही है, पावर आईसी के पास में आप देखेंगे एक्सटर्नल बक करके 2-2 आईसियां मिलती है। इससे पहले रैम के लिए एक रैम के वोल्टेजेस बनाने के लिए 0.6 0.2 वोल्टेज बनाने के लिए आईसियां होती है। अभी आपने इससे पहले देखा मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आईसियां मिल रही हैं, आप सैमसंग में देखे होंगे। आप ओवीपी आईसी देखे, एपीटी पावर आपने देखा होगा 12 वोल्ट की आईसी आती है, ओवीपी आती है 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 8 लेग की, 4 लेग की, अलग अलग ओवीपी आईसी आती है। रैम, स्टोरेज, MMC अलग अलग टाइप के आ रही है, UFS अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, BGA 95 MMC आ रही है, देखे होंगे आपने 162 हो गया, 221 हो गई आपकी। तो ये नॉलेज जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप काम करना मुश्किल हो जाएगा। 6 लेग के 2-2 टाइप के लाइट आईसियां आते हैं, 9 वॉल का लाइट आईसी आता है, 12 वॉल का लाइट आईसी आता है, PML आता है, PMI आता है। PMI में भी आपको एक लाइट वाला आईसी मिलेगा, एक लाइट का सेक्शन उसमें नहीं होगा। अगर आप ऐसे सीखेंगे कि PMI में लाइट का सेक्शन होता है तो PMI 632 में आप देखेंगे तो लाइट का सेक्शन नहीं होता है फ्रेंड। तो ये नॉलेज आपके लिए होना चाहिए कि जब कहां प्रॉब्लम है उस सेक्शन में डायरेक्ट आप जाए, उस आईसी पे आप डायरेक्ट काम करें। एक आईसी काम कर रही है तो काम कैसे कर रही है, उसको इनपुट वोल्टेजेस क्या चाहिए, उसके आउटपुट क्या चाहिए, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों सिर्फ लोगों की बातें मत सुनिए, सिर्फ टीचर का काम मत देखिए। दोस्तों टीचर तो सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल 12 साल से, लाइफ क्या देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर, क्या आपको लाइफ बना के दिखा रहे हैं, क्या टीचर अपने साथ मोबाइल ला रहे हैं या स्टूडेंट लेके आने वाला वो मोबाइल बना के बता रहे हैं, क्या देखिए आपको मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम DSA से कैसे चेक करना है ये आपको बताते हैं। I2C लाइन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, टच सेंसर हो गया, जितनी सारी लाइनें हम DSO से चेक कर सकते हैं ये सब कुछ आपको क्लास में सिखाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक एडवांस, सुपर एडवांस लेवल आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोफेशनल एक मोबाइल का इंजीनियर आपको बनाया जाता है। 20 दिन आपके साथ रहते हैं दोस्तों, 20 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके बिजनेस में जो इनकम अभी आ रही है उससे 10 गुना हम इनकम बढ़ा सकते हैं आप, अगर मेहनत करेंगे, एक अच्छी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। कहीं पे भी जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट जाइए, बट सीखिए और सीख के काम करिए, आधी अधूरी नॉलेज के साथ बिल्कुल काम मत करिए, यूट्यूब गूगल को बिल्कुल फॉलो मत करिए, एक अच्छे से काम सीखिए, क्योंकि यूट्यूब और गूगल पे बहुत सारे फेक वीडियोस होते हैं, फेसबुक जैसा फेक होता है वैसे यूट्यूब और गूगल पे भी कुछ अच्छा भी है लेकिन कुछ फेक भी है। लेकिन नॉलेज अगर आपके पास है तो आप खुद अपने से वो नॉलेज से आप वो सारा चीज रिपेयर कर सकते हैं। फोन फिक्स हैदराबाद एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो बच्चों को उनके बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। जो बच्चे रुक रहे हैं, जो आधी अधूरी नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी वो नॉलेज को प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करने का काम फोन फिक्स हैदराबाद की टीम करती है। पूरी टीम हमारी है, 7-8 मेंबर की टीम है जो आपके पीछे मेहनत करेंगी, जब आएंगे तो आप मिल ही जाएंगे हमारे टीम मेंबर के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आना है आपको, नेक्स्ट बैच हमारा 7 सितंबर से है और 5 सितंबर से एडवांस MCA कोर्स है, मास्टर कोर्स इन एंड्रॉइड है। आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल ले लीजिए और जुड़ जाइए एक इंडिया की वेल प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जो काम कर रही है टीम फोन फिक्स हैदराबाद। जुड़ जाइए हमारे साथ,
अपने आप को अपडेट करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं और मार्केट में एक अच्छा नाम कमाएं और खूब पैसा कमाएं, खूब आगे बढ़ें। यही हमारी कोशिश है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें। सार को जितना मैं खुश हो रहा हूँ उससे भी ज़्यादा सागर सार ने खुश हुए, उसको देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तुम टीचर हो के सिर्फ तुम स्टूडेंट की लाइफ नहीं बना रहे हो, तुम उनकी फैमिली की लाइफ बना दे रहे हो, क्योंकि आपको जो इंसान यहाँ पे सीखने आ रहा है उसको सिर्फ उसकी लाइफ में काम ही नहीं सीखना है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसको देखना है, वो सब ना है। वो यहाँ पे उसको हर कोई चीज़ का यहीं पे एडवाइस मिलेगा लाइफ में। तुम कस्टमर से कैसी बात करना है, कैसे रहना है, तुम्हारे जो दुकान पे शॉप पे कैसी रहना है, तुम यहीं पे स्पेयर कहाँ ले सकते हो, कौन सी जगह पे अच्छा रहेगा, और तुमको यहाँ पे डायग्राम कौन सा अच्छा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में तुम कौन सा यूज़ करते हो, और हर कोई चीज़ यहाँ पे मिलेगा। और हर कोई चीज़ ऐसी मिलेगा, जेन्यून मिलेगा, ऐसे नहीं कि तुमको जैसे कि तुमको यहीं पे से तुमको सीख लेंगे, सीखते टाइम अच्छा बताएंगे और जाने के बाद में वो चीज़ को हर कोई चीज़ को अपडेट होते रहता है, और वैसे तुमको सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाता है, और अपनी सर आके अपने को सॉफ्टवेयर सिखाते हैं और जो भी अपडेट होते रहता है अपने को तुरंत का तुरंत अपने को अपडेट बताते रहते हैं। जो अपनी सागर सर है वो आके अपने को टेक्नीशियन है, बहुत अच्छी टेक्नीशियन है, और बहुत अच्छी टेक्नीशियन होते हुए अपने को बहुत बिजी भी रहते हैं। बहुत अच्छी टेक्नीशियन बोले तो बिजी होना चाहिए, तो होते हुए भी मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि क्लास के बीच बीच में उनको बहुत कॉल्स आती है, और कॉल्स में ऐसे नहीं कि बाकी मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे जा गया हूँ वहीं पे लोग कॉल आती तो ऐसे जाके बात करके आधे घंटे के बाद में, पर ये सर होते हुए सिर्फ इनको स्टूडेंट की कॉल आती है और स्टूडेंट की कॉल आके उनको सिर्फ बता देते ऐसे ऐसे करना है वैसे ऐसे, हर कोई चीज़ की यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो अपन भी कैसे इसमें क्या पता चल रहा है कि सर उनकी 100% दे रहे, तो अपन भी अपना 100% दे रहे बोले तो अपन एक सक्सेसफुल बन के ऐसे अपन जीरो से लेके हीरो बन के जा सकते हैं। और ऐसे जाने के लिए अपन कहाँ आना चाहिए, फोनफिक्स हैदराबाद में आना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बोल रहे हैं, लग रहा है। नहीं सर, मैं खुद होके बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल पे वही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई मेरे को पैसे दे के बोलने लगा रहा है, ना कि कोई ऐसे नहीं कि बोल रहा है तुमको ऐसे बोलना पड़ेगा, मैं खुद होके बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल पे वही बोल रहा हूँ। अपन तो स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं करते ना। नहीं सर, इतना कुछ सीरियस मेरे पहली बोले तो मेरे दिमाग पे कोई भी चीज़ नहीं बैठती, इतना बड़ा चीज तो देखो जो बोल रहे हैं पहले बोले तो ये थे। और ये जो आने वाले बच्चे या कहीं पे भी आप जाके सीख रहे किसी भी इंस्टीट्यूट में, इन्होंने जैसे बताया कि टीचर हमारा काम देख के खुश हो रहे हैं, तो जो बड़े होते हैं या जिसको आपको चाहते हैं वो लोग, जैसे हमारे माँ बाप भी हैं, वो खुद खाना नहीं खाते, आप खा लिए तो उनका पेट भर गया ऐसा लगता है। बड़े भाई है, माँ बाप है, तो टीचर भी क्या है, सब स्टूडेंट एक जैसे ही रहते हैं सबके लिए। तो टीचर अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि स्टूडेंट को भी चाहिए। तो ये चीज़ हम डे वन भी आपको बताया था कि टीचर भी देंगे और आपको भी क्या करना है, जी सर, देना पड़ेगा, बेस्ट देना है, तब जाके कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता है आपका। आज आप 20 दिन के बाद में बोल रहे हैं, ये कोई पहले दिन का तो रिव्यू नहीं है ना भाई। नहीं सर, 20 दिन के बाद में की रिव्यू, पहले दिन आप हो सकता है गलत बोल दे, झूठ बोल दे, लेकिन आज लास्ट डे जा रहे हैं तब बोल रहे हैं, और ये अपने दिल से बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पैसे देके बिठा दिए इनको, हमारे लिए थोड़ा दो अल्फाज बोल दो भाई, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर, जो बोल रहे हैं आप लोग दिल से बोल रहे हैं ना। जी सर, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, और कुछ मिला तभी बोल रहे हैं ऐसा। जी सर, नहीं तो आप गलत भी बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ लाइव ले रहा हूँ, जाके भी बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं। तो हमारे तरफ से हम बेस्ट दिए कि नहीं दिए, सारे टीचर बेस्ट दिए सर, छोड़ के तो नहीं चले जा रहे थे आपको। नहीं सर, बीच बीच में छुट्टी तो नहीं दे दिए। नहीं सर, आप लोग टूल के लिए जाते बोल रहे तो भी हम रोक रोक के रख रहे हैं आपको। हम लोग कभी कभी लेट हो जा रहे थे, फिर हमारे से भी पहले आके तुम यहीं पे बैठे रहते सर। हाँ, मैं भी आया तो वेटिंग करता हूँ मैं बच्चे आने का। हाँ सर, तो जाते आप लोग टूल खरीदने जाते बोल रहे तो भी रोक रहे, क्योंकि टूल तो आपको व्हाट्सअप करो वो भेज देते भाई, लेकिन जो टाइम में नॉलेज मिल रही ले लेने का रहता अपने, है ना। ठीक है, इनके लिए जोरदार क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच। फोन फिक्स हैदराबाद में बहुत अच्छा रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट है, और जो भी बंदा यहाँ पे आना चाहे भेज लिया जा सकता है। और यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था, जो भी काम आता था वो मैं दूसरे को देता था सॉफ्टवेयर कराने के लिए, अब सागर से टॉपिक सर ने इतना डीपली और इतना इजीली समझाया कि बहुत अच्छे थे, वो भी फ्री का काम। अच्छा, हाँ, जो कि कहीं नहीं मिलता है, ज़्यादातर सब पेड करके कराते हैं, फ्री टूलों के, हाँ, फ्री टूलों के बारे में बहुत कुछ बताया था। अच्छा, थैंक यू टॉपिक सर, थैंक यू फॉर द चैट। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप। Congrats.
आकाश मुन्नालाल, जोरदार क्लास इनके लिए। थोड़ा सुनिए इन लोगों का एक्सपीरियंस, बाद में नहीं बोलते ये लोग, थोड़ा अच्छे से सुन लो, अपने को कुछ सीखने मिलता है इनसे, समझ रहे? ये लो भाई, कौन है? भूख लग रहा है? चलो चलो चले जाएंगे। दो अल्फाज बता दो फटाफट सर, क्या बोलना चाहेंगे अपने बारे में? जिसको यहाँ पर सीखना है तो यहाँ पर आ सकते हैं और सीख सकते हैं अच्छे से, और जिसको नॉलेज नहीं है वो सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ पर मिल सकता है आपको, और हमारे जो बराबरी करना चाहते हैं वो यही आए और सीखे, सबसे बेस्ट नॉलेज यही मिल सकता है आपको। वाह, कहाँ से आप? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर महाराष्ट्र से? यस सर। अच्छा, इधर आया, दिल्ली वगैरह नहीं जाके, महाराष्ट्र नहीं जाके इधर आए? नहीं सर, मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा, मैंने फॉलोअर्स भी अच्छे दिखे मेरे को, और लड़कों ने कमेंट्स वगैरह भी किए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया और मेरे को अच्छा नॉलेज मिला। जो यूट्यूब पे देखने मिल रहा था, आज आप खुद बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाते? नहीं नहीं, यहाँ कोई फेक वीडियो वगैरह नहीं बनता। इंस्टीट्यूट के अपने खुद के सेट ला ले रहे हैं, यहाँ रजिस्टर हटा के कैपेसिटर लगा के बता रहे, ऐसा तो नहीं करते? एक्चुअली तो मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं तो पहले कंपनी में जॉब करता था, अभी मैं यहाँ पर मतलब मोबाइल के मार्केट में आया हूँ, और अभी फर्स्ट टाइम है कि जो इंटर ट्रेनिंग के लिए आया यहाँ पर, और अच्छा खासा नॉलेज लिया मैंने, और अभी मैं काम कर सकता हूँ। ब्लैक प्रेशर वगैरह इजीली खोल ले रहे? हाँ, आईसी वगैरह ब्लैक प्रेशर वगैरह खोल सकता हूँ। ऑन फोन पे सीपी वगैरह डाल के ऑन कर दिए? यस सर। कैसा लगा ऑन होने के बाद? अच्छा लगा सर, कि जो कभी किया नहीं था और कभी आने वाला नहीं था मेरे लाइफ में, और अभी आया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और कैसा है मेरे को मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था, और अभी मैं शॉप पे काम कर सकता हूँ, प्रॉफिट हूँ। फ्रेशर आके सीख सकता है यहाँ पे? यस सर, बिल्कुल सीख सकता है, अगर जिसको सीखना है वो यहाँ आ सकता है, जिसको नहीं सीखना तो इधर उधर टाइम पास कर सकता है। वाह, क्या बात है। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ जाओ भाई सुरेश, जोरदार क्लास सुरेश के लिए। चलो दस, बस चाह रही है सर्टिफिकेट दे देते हैं, थोड़ा सा फोकस से सुन लो भाई इनकी भी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। मनोज बंधु आ जाओ भाई इनके लिए जोरदार क्लास। बहुत चाहने वाले मनोज, देखो बात बता के जाओ, क्या बोलना चाहेंगे? फोन फिक्स हैदराबाद, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम मनोज है, शाहपुर महाराष्ट्र में, मैं शाहपुर में रहता हूँ, थाना शाहपुर। कब से काम कर रहे हो? तो मैं 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं फोन फिक्स हैदराबाद के एक साल से वीडियो देखता हूँ, तो मेरे को इतना ये नहीं था, मैं जाओ ये नहीं, वैसे ही चल रहा था एक साल तक, तो बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, उसकी वजह से मैं जाने का सोचा था, वो एक्सीडेंट की वजह से मेरा 3 महीने गया, तो फिर बाद में अभी सोचा कि जाना है, तो कल्याण में एक मेरा दोस्त है, तो उसको मैं मिला, वो यहाँ पे आके आ चुका था, हाँ, तो उसको मिला मैं, और उससे थोड़ी सी बात किया, क्या कैसा क्या है, तो उसने मुझे थोड़ा सा बताया ऐसा है वैसा है, तो बोला ठीक है, तो फिर मैंने फिर फिक्स किया कि मैं जाना है, तो एक्चुअली मेरा शॉप है और एक लड़का भी है काम पे, तो उसको मैं पूरा सेटअप लगा के उसको दे के इधर आया हूँ, तो ये 20 दिन में मैं जो कुछ सीखा, मुझे अब आज मुझे मालूम गिर गया कि 20 दिन में मेरे को क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, उसके बारे में मुझे मालूम गिर गया, क्योंकि बोर्नियो के बारे में तो मैं कभी सुना भी नहीं था, वो वीडियो देखा था लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे क्या है, तो मेरे पास मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं डिस्प्ले का काम, नॉर्मली ये काम, और सर्किट के ऊपर भी काम करता था लेकिन इतना डिप में नहीं करता था, तो सागर सर ने आईसी का काम तो मैं करता ही नहीं था, तो जब यहाँ पर आया तो मैं आईसी का काम मतलब लगा कि मैं कर लूँगा, तो एक पहले दिन नहीं किया मैंने, तो दूसरे दिन मैंने सागर की जो टेक थी अच्छे से किया मैंने, तो अभी मैं आईसी रिवॉल्विंग भी करता हूँ और आईसी फिट भी करता हूँ, ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड दोनों करता हूँ, किया एक एक दो दो पीस किया मैंने, इंश्योर की तरफ से भी दिया आपको दो दो बोर्ड जो भी दिए? हाँ, एक एक दो दो बोर्ड दिए, और मैंने भी लाया था तो उसमें भी मेरे मतलब डिस्प्ले इस पर नहीं था, तो एक दो पीस चालू किया मैंने, तो अभी सोच रहा हूँ कि उधर जाके बना लूँगा मैं, अभी स्क्रैप बोर्ड जाने के बाद में उसमें और प्रैक्टिस करना, तब जाके आपका हाथ फ्री हो जाता है उसमें। हाँ, कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? फोन पीस हैदराबाद में आ जाओ, इधर रहने का अच्छा है,
एक दो दिन मेरे को लगा कि इनके बीच कैसा रहो क्या मतलब, तो कभी फर्स्ट टाइम मैंने बाहर कभी बॉम्बे से बाहर कभी मैं गया ही नहीं, तो आओ इधर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाना भी अच्छा है और रहने के लिए तो सारे स्टूडेंट एक साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि दूर दूर भी रह रहे हैं। और एक दो दिन आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आया है, उसके बाद में जब घुल मिल जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी छोटे को छोड़ के जाना है, जाने का भी दिल नहीं कर रहा होगा तो अभी हम लोग अभी मतलब अभी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी क्या करूँ क्या करूँ, अब जिसको जहाँ से आया हुआ तो जाना ही है, जाना ही है। तो जिसके जैसा कॉन्टेक्ट नंबर फ़ोन नंबर ये जो है सब ग्रुप बनाए हम लोग का, तो अच्छा नहीं लग रहा है अभी जाने, एक लगाव हो गया, फ्रेंड एक लगाव फ्रेंड सर्कल बन गया है, लेकिन वो अभी टूटेगा नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है कोई टूटेगा, क्योंकि हमारे रूम में हंसी मजाक जो होता था और हम लोग जो टाइम टाइम से 9 बजे जो आते थे तो प्रैक्टिकल ये वो साथ में रात को दिखाओ डायग्राम निकालते थे साथ में सब करते थे, तो वो अच्छा लग रहा था, वो घर का भी ऐसा मालूम नहीं गिर रहा था कि कुछ घर के जैसा ही सब कुछ चल रहा था हमारा, तो बहुत अच्छा लगा आके। और अभी जाके यहाँ से प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जो नहीं मालूम था वो अभी सब मालूम गिर गया, और जो मालूम गिरा उसको याद रख के उस पर अपने को प्रैक्टिकल करते रहना है। हाँ सर बरोबर, एक बार इनके लिए जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच। हेलो असलम शाह, जोरदार क्लास असलम के लिए। चलो हो गया भाई, दो ही है अपने खाले, भूख लग रहा है कुछ। चलो हो गया, चलो अल्फाज बताओ, असलम दो अल्फाज बताओ क्या बोलना चाहेंगे। मैं इससे पहले गया था सर, 15,000 रुपीस मैंने उसको दिया था, तो बस उन्हें फोल्डर लगाना ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जो बेसिक, फिर यहाँ पर आके जो पहले दिन लगा मैं तो सोच रहा था कि उनसे किधर आ गए, इतना सब रहता है इसके अंदर दिमाग में नहीं बैठ रहा था, पहले दिन घर पर फोन लगा कर बोला ऐसा ऐसा है, फिर बाद में दो चार दिन में से बैठने लगा दिमाग में। आप कौन सा भी मोबाइल आने दो, ऐसा नहीं कि वापस जाएंगे, अगर अपने से कुछ अपने पास नहीं रहा तो जाएंगे वापस, पर इतना तो समझ गए तो अपना अपना दूसरा मोबाइल आया दूसरे के पास ले जा नहीं सकते, खुद बनाएंगे। वाह क्या बात है भाई, इसके लिए जोरदार क्लास। कोई आना चाहे क्या बोलना चाहे, जिंदा सा सकते सागर सर की हैंड स्किल, तौफिक सर का सॉफ्टवेयर का नॉलेज, आपकी थ्योरी, तीनों भी एक नंबर है सर, दिमाग में बैठते सर, यहाँ से जाकर प्रैक्टिकल करना। वाह देखो भाई, जो आ रहे पहले के दो चार दिन, एक दिन दो दिन ऐसा लगता, एक दो दिन सब हाँ, नया प्लेस रहता और नई चीज देखे तो सीखते अपन, पहले कभी देखे सुने नहीं उस बारे, पहले थ्योरी क्या चीज थी मालूम भी नहीं था सर, यूट्यूब पे कभी सुना भी नहीं, लाइव डायरेक्ट एसएमडी हिट मारेंगे नहीं नहीं आप पूरा नॉलेज है सर, कितने किसमें आइस निकालना है, किसमें रिवॉल्व करना है, सब अभी स्टेप्स मालूम हो गया, हाँ सब स्टेप मालूम है, स्कैन करना है मल्टीमीटर, ऊपर से डायग्राम का जो सर ने लैपटॉप भी दिया है हमें चलाने, डायग्राम भी क्या था ये भी नहीं मालूम था हमें, लाइन किधर जाती किधर नहीं ये भी नहीं, पहले दिन बताया दूसरे दिन लैपटॉप दिया हाथ में, सब आप ऐसा करो ऐसा बना, हर दो के बीच में लैपटॉप, हाँ हर दो के बीच में लैपटॉप बना, डायग्राम सीखने हमारे नॉलेज क्या है सर, लोग ने उनके लैपटॉप दिए 10-15 लैपटॉप दिए सीखने के वास्ते, बोरनी नहीं बोरनी उधाल के दिए, अंदर बोरनी उधाल के दिए सबको, बहुत आसान लगा, बहुत फायदा हुआ, तो जाके लेते कि नहीं फिर, अरे सर ऑलरेडी ले लिया देखो जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है जरूरी है, पहले भी आप विदाउट डायग्राम काम करते थे, हाँ। और डायग्राम और सर्किट की नॉलेज के साथ काम कर रहे थे, बस यूट्यूब पर देखकर ऐसे जंपर किधर मारना है वापस कैसे करना है, इतना ही था। अच्छा, यूट्यूब के ऐसा सेम प्रॉब्लम आता क्या हमारे पास भी, हर मोबाइल में नहीं आता, इनका मोबाइल तो बन जाता अपना रेड हो जाता, सेम अगर प्रॉब्लम हमारे पास भी आया तो सेम रिपेयर हो जाता, सेम रिपेयर, मोबाइल सेम रहता, मॉडल सेम रहता, फॉल्ट सेम रहता, लेकिन कहीं और से आता, कहीं और से आता, तो वो चीज आपको कहाँ से नॉलेज मिलता हो, ये अपना डायग्राम से, डायग्राम से, तो डायग्राम समझना हो तो क्या करना फिर, फोन फिक्स हैदराबाद को आना पड़ेगा कहीं भी जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी जाओ इंडिया में, कहीं भी सीखो, जहाँ अच्छा लगा सीखो, लेकिन सीख के काम करो, चालू सेट बंद कर लेने से अच्छा है कि सीख के काम, कहाँ से आप वैसे? मैं महाराष्ट्र परभणी से, परभणी महाराष्ट्र से, ठीक है, इनके लिए भी 2000 क्लैप, थैंक यू वेरी मच। सत्यनारायण नेपाल से, आ जाओ भाई जल्दी से, हो गया।
पूरे लोग विजिल मार रहे थे बोलने तो फ्रेंड्स ये भी नेपाल से काफी दूर से दूसरे स्टेट से आए हैं। चलिए पूछे इनसे कैसा रहा 20 दिन का सफर। बहुत बढ़िया सर, फन फिक्स में ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। जो मैं फंसा था ट्रैकिंग डायग्राम का तो नॉलेज ही नहीं था, यहाँ आके बहुत नॉलेज मिला डायग्राम के बारे में, मोबाइल के कौन सी ट्रिक कहाँ जाना कैसे सॉल्व होना, ये अपने और सागर सर ने और सॉफ्टवेयर के लिए टॉपिक सर था बहुत। अभी जाके काम कर सकते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? कोई ट्रेसिंग वगैरह फॉल्ट फाइंडिंग रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, अभी इजीली कर लेते हैं। जी 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 अभी करता हूँ। उतनी दूर से यहाँ हैदराबाद कैसे आ गया? फोन वीडियो देखे सर, वीडियो मैंने आप लोग को भी वीडियो देखा, स्टूडेंट का लाइव रिव्यू करते हुए देखा, फिर मैंने सोचा अब जाना है तो हैदराबाद। हमारे नेपाल खरीफ खरीफ बहुत सारे स्टूडेंट आगे गए पहले भी यहाँ पे आपके ही नेपाल से, तो कोई नेपाल से आना चाहे थोड़ा नेपाली में बोलो क्या बोलना चाहेंगे? नेपाल नेपाली में बोलो। भूल गए बोलो ये भी नेपाल, दो अल्फाज बोल दो बस। अब सीखना चाहना उन सब ने यहाँ फोन फिक्स हैदराबाद जरूर आने होला, क्योंकि यह डीप लर्निंग नॉलेज बाई बाई वन बाई वन बाई पूरे टेक्निक सहित यहाँ सीखना गई। थैंक यू वेरी मच, दो अल्फाज बोले आप। योगेश आ जाओ भाई, जोरदार क्लैप्स योगेश के लिए। ये तो आ गया, ये तो खतरनाक है भाई। योगेश कहाँ से आप? महाराष्ट्र। कुछ बोलना चाह रहे जो आपके ऐसे बच्चे आना चाह रहे कोई उनके क्या बोलना? आ जाओ कोई भी अच्छा सीखते। मैंने कभी हाथ में कोई काम नहीं किया था, खाली डिस्प्ले चेंज करता था, तो मैं बहुत कुछ सीख गया उधर आके। आप भी आ सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई। दविंदर कुमार पंजाब से। ये पूरा क्या नाम लगा रहे लोग? देवेंद्र भाई तुम थोड़ा पंजाबी में दसो क्या बोलना चाहेंगे? पंजाबी जो भाई यही कहना चाहते हैं, थोड़ा सुनिए भाई, थोड़ा पंजाबी बाद में नहीं मिलती, बहुत अच्छा लगता है मेरा। मैंने 10 साल हो गए थे काम करते हैं पहले ना, मोहर बेरे ना कुछ भी नहीं पता, नॉलेज है नहीं कुछ। ठीक है, 10 साल में जो नहीं मिला था वो इधर आगे 20 दिन में सब कुछ मिला। सॉफ्टवेयर मिला, हार्डवेयर स्किल ठीक, और डायग्राम कैसे फ़ोन को फाइंड करना है क्या करना सभी कुछ इधर से आगे मिला। मैं यही कहना चाहता जे कोई मेरे वागू जे तेन कुछ नहीं पता चलेगा इतने आगे प्रॉपर नॉलेज लवे अपना काम बढ़िया भी ना करे। तो यहाँ कैसे आ गया फोन फिक्स को? पंजाब से इतनी दूर से दिल्ली मुंबई कलकत्ता गुजरात पास में पड़ता, इतना दूर हैदराबाद आ गए? मैं यूट्यूब पे सभी देखा, ट्रेनिंग सेंटर सभी को फाइंड किया। मुझे फ़ोन से हैदराबाद में कम से कम 1.5-2 साल हो गए देखते। उसके बाद मैंने देखा हमारे पंजाब से खुद एक आदमी आए, उससे क्या नाम उनका? इंद्रजीत पुराने स्टूडेंट है। वो मेरे पास डीलर आते हैं, डीलर ने बोला वो उधर से आ गया है। मैं कॉन्टैक्ट किया भैया से भी कैसे जाना कैसे नहीं जाना, फिर उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, फिर मैंने दर्शी जाना आपको कॉल की थी कॉन्टैक्ट नंबर लेके। अच्छा अच्छा, तो अभी काम कर सकते जाके? करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है जाके, डायग्राम वगैरह तो रीड कर ले रहे। ब्लैक पेशेंट व्हाइट पेशेंट खुल रहा है इसी आसानी से? क्योंकि बहुत बच्चे डरते खोलने के लिए, ट्रैगा उखड़ जाते हैं, बूट डैमेज हो जाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सर ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अभी हैप्पी है पूरा सेटिस्फेक्शन? पूरी ठीक है। एक बार इनके लिए भी जोरदार क्लास भाई, तो सबके लिए एक बार जोरदार क्लास भाई सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, सबका अच्छे से काम करो जाने के बाद में, और रिवाइज करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सीखते रहना है। देखो भाई एक एडवाइस, ये इतना ख़त्म नहीं हो गया हमारा। यस सर। क्या इसके आगे भी बहुत कुछ आने वाला है? पहले देखो इमेंसी, अभी UFS भी आ गया, आगे जा करके बहुत कुछ 5G आ रहा है अभी, और आगे जा करके सर्किट चेंज होते रहता, तो सर्किट को देखते रहेंगे तो देखो भाई ये बंदा भी बहुत सारों के लिए इंस्पिरेशन है, और ये जो आ रहे हैं अभी हमारे पास नेपाल से आए दूसरे कंट्री से, और आने वाले बैच में हमारे पास आ रहा बांग्लादेश से,
बांग्लादेश भी एक दूसरा कंट्री है, नेपाल के बाजू में, मतलब इंडिया के बाजू में ही पड़ता है। तो लोग इतनी दूर से इनसे ही पूछते हैं, चलो दूसरे कंट्री से इधर क्यों आ गए आप नेपाल में, क्या आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है क्या है? क्योंकि नेपाल से दिल्ली पास में पड़ता है, दिल्ली मुंबई गुजरात वगैरह, इतनी दूर नॉर्थ में आ गए, नॉर्थ से ये साउथ में आ गया, क्या रीजन रहा बताओ? हो रहा है सर, इंस्टीट्यूट तो बहुत है सर, नेपाल में भी है, दिल्ली में भी है, और नॉलेज है सर सिखाने के, ट्रिक है, नॉलेज है, बताने का नॉलेज है सर, सिखाने का ट्रिक, सब देख के आना पड़ेगा सर, कि पीछे का भी भविष्य देखना पड़ेगा इसीलिए सर। क्योंकि आप लोग जो आते हैं बहुत उम्मीद लेके सोच समझ के आते हैं, बच्चे जो आते हैं देखते हैं कि हमारा कुछ वहाँ से मिल जाए, क्योंकि आप एक तो दुकान बंद करके आते हैं 20 दिन, वो 20 दिन का इनकम जाता आपका, फिर एक भरोसे से उम्मीद से आप पैसे जमा करके आते हैं, और जब काम सीख के नहीं जाते तो दिल को तकलीफ हो जाती है, दिल को तकलीफ है ना, तो एक कहीं ना कहीं ठोस तो लगता है सर, तो चाहिए कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे आपको सीखने कुछ मिल रहा है। तो आप बताओ इतनी दूर से आए थे जो सोच के आए थे, मिला क्या फिर आप? मिला सर, सब कुछ मिला, 20 दिन में तो कोई मास्टर तो नहीं बन सकता सर, नॉलेज तो सर नॉलेज लेके जाना है, फिर काम करने के बाद वो नॉलेज भी पता चलता है सर, देखते देखते काम करते करते सब कुछ नॉलेज मिलता है। अभी यहाँ पे क्या क्या काम कर लिया आप? सब कर लिया सर, डबल डोर कर लिया, पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, और सर्किट का नॉलेज, ये कैपेसिटर डायोड तो मेरे को मालूम ही नहीं था सर, देखता था ये क्या है मालूम नहीं था, ये इंजन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, आइडेंटिफाई नहीं कर, चेकिंग नहीं कर पाते थे। अच्छा सर्किट डायग्राम वगैरह रीड करने आ रहा है अभी? बोरनी तो देखता था सर, ओपन करके नहीं चलाया था मैंने, चला लिया अब तो सब कुछ मालूम हो गया कैसे। बोर्नियो में खाली हार्डवेयर सॉल्यूशन या बिटमैप यूज करते हैं कि डायग्राम से थ्रू पढ़ते हैं? डायग्राम के थ्रू सबसे नॉलेज है सर, डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, हैंड स्किल का काम और सर्किट की नॉलेज, ये दोनों चीज ही तो चाहिए काम करने के लिए सबसे बड़ा सर। कोई नेपाल से आना चाह रहे थोड़ा नेपाली में बोलो क्या बोलना चाहेंगे? आना चाहूँ फोन फिक्स हैदराबाद या चाइडी, बहुत राम सीखा सागर सर का ट्रिक, डबल डुकर निकालने का तरीका है, बहुत अच्छा है सर, आना चाहूँ आउन बहुत फोन फिक्स हैदराबाद। सतीश भाई है कि नहीं है? सही है सर, सतीश भाई है। रहने खाने का कैसा है बताओ? रहने खाने का सर की तरफ से, खाने का अपने तरफ से। यहाँ पे आना कैसा, नेपाल से आना बोले तो? नेपाल से बॉर्डर तक आना, बॉर्डर से लखनऊ से सीधा हैदराबाद का टिकट मिलता है। हम नेपाल आना बोले तो कैसे? यहाँ से लखनऊ जाना पड़ेगा, लखनऊ से होता है। नहीं भाई बॉर्डर वॉर्डर नहीं होता हमारे लोग, बहुत बड़ा जिगर बोलना भाई, अपन नहीं जाते बॉर्डर पार करके जाते आ? ये बंदा बहुत जिगर वाले भाई, सब आए इतनी दूर, इसके लिए एक बार 2000 क्लैप दे। नहीं नहीं सर, इजीली हो जाए, और जो भी है सर अभी एक बार अभी यहाँ तो 100% होगा नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ सर, एक 50 बोर्ड तो सारे खोल लेना है अभी, तो सिर्फ अपन को नॉलेज मिल गया, अब उस नॉलेज को और इम्प्रूव करना है अपन को। यस सर, तो वो आगे जाके होगा, अभी नहीं होगा तो टाइम लगेगा, उसके लिए 2-3 महीने चाहिए, हैंड स्किल वगैरह सारा हो जाएगा सर, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा थ्योरी के बारे में बताओ? थ्योरी भी सर आप ही थे सर, काफ़ी बहुत अच्छा लगा और अच्छा मतलब समझ में भी आया, अब वहाँ जाके रिवाइज करना है तो और डीपली नॉलेज बढ़ता जाएगा सर, उसमें जितना उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा। अभी कोई नया इसी कल के दिन आ गया तो उसमें इनपुट आउटपुट क्या हो रहा समझ सकते हैं? यस सर समझ, नहीं भी समझ सके तो हम तो है यहाँ पे। यस सर है ना, कभी भी पूछ सकते हैं ना भाई, लाइफ टाइम सपोर्ट है सर, कभी भी सपोर्ट है आपको व्हाट्सएप का। यस एक बार टीम के साथ जुड़े तो समझ के चलो भाई कि अपन टीम ही है, यहाँ साथ में रहे जब तक है, बाद में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहते हैं, फेसबुक में कनेक्टेड रहते हैं, आपको जो सपोर्ट है वो तो मिलता ही रहता, तो सब लोग मिलके काम करना है अपने, ऐसा नहीं कि 20 दिन के लिए। अब देखो अपन स्कूल में भी पढ़े कुछ लोग रखते दोस्तों को, 4-5 दोस्त अभी भी रहते, क्या है वो कितना भी आगे चले जाओ, बाद लोग स्कूल गया खत्म, उसके बाद में पहचानते नहीं एक दूसरे को, दिखे तो भी अंजान मार के चले जाते, तो ऐसा नहीं रहना, क्योंकि अपन तो एक फील्ड में ही रहने वाले, मोबाइल का काम करने वाले हैं, कभी तुम्हारे पास कुछ एक नया सोल्यूशन आ जाता, कभी हमारे पास आ जाता, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई चीज है तो डायरेक्ट अपने पास ही आती चाइना से, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा टेक्नीशियन छोटे काउंटर पर बैठ के वो भी एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, समझ आए कि नहीं समझ रहे? कोई भी कर सकता, एक बड़ा आदमी नाम बोते उन्हें करना जरूरी नहीं है। रेडमी 6 का 4 साल पहले एक छोटे एक दुकान वाले बंदे से मैं ISP बनाने लगा, समझ रहे आप? तो कोई भी काम कर सकते, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाला ही करना बोलते, आप मेहनत करो, आप प्रैक्टिस करो, आपको तरीका आ गया। आप लोगों को ISP बनाने आता ना अभी? यस सर। गूगल पर तो नहीं ढूंढेंगे? नहीं सर, अपने को खुद को भी बनाने आता है, आप भी बना के डाल सकते हैं, टाइम मिला तो डालना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मदद अपन तो कर सकना, बिल्कुल, दूसरे के भरोसे में नहीं पड़ना, क्योंकि गूगल पे क्या रहता है कुछ फेक भी रहते चीजें। यस सर, हम क्या करते हैं उसके ऊपर पूरा ब्लाइंडली भरोसा करके अपना चालू छठ बंद कर लेते, तो वो सही बनाया कि नहीं बनाया देखना भी जरूरी है।
ठीक है। तो एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप भाई, थैंक यू वेरी मच।